अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिया बाजवा है। एचसी ने फाइनली अदर के ऑप्शन को बंद कर दिया है और अब आपके प्रोडक्ट खुलता नहीं है और लिखा हुआ आ जाता है दैट दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट अवेलेबल। नीचे लिखा हुआ होता है इफ़ यू वांट टू सी डिटेल्स लाइक हियर, तो उसको बहुत कम लोग क्लिक करेंगे। तो इसलिए अब हमें पेपाल की ऑप्शन ऑन करनी पड़ेगी। एचसी ने लिखा भी हुआ है कि पेपाल की ऑप्शन को ऑन करें ताकि आपके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हों। तो अब आपको अपने जो रिलेटिव्स हैं जिनका पेपाल आप यूज़ कर रहे हैं उनको कॉन्फिडेंस पे लेना पड़ेगा और उनको बता कर आप अपनी शॉप पर उनको एज अ मेम्बर ऐड करें और वहाँ पे लिखें कि ये फाइनेंसेस या पेमेंट वाली साइट को ये इंसान देखता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये करना होगा कि पेपाल का कार्ड उनको बनवाना पड़ेगा ताकि आप ऑनलाइन वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए अपने आप को खुद पैसे ट्रांसफ़र कर सकें ताकि उनका टाइम भी बच जाए और उनको बॉदरेशन भी ना हो। इसके अलावा फर्स्ट एक दो सेल्स के बाद ही पेपाल के अंदर जब एक दो सेल्स आएंगी तो उसके बाद एचसी आपको कहेगा कि अब एचसी पेमेंट को ऑन करें। तो एचसी पेमेंट को ऑन करना ज़रूरी हो जाएगा क्योंकि एचसी काफ़ी अरसे से इस पे काफ़ी इंसिस्ट कर रहा है, इसीलिए सेल भी मेरी भी थोड़ी सी सेल स्लो हो गई थी, काफ़ी स्लो हो गई थी इनफैक्ट, क्योंकि एचसी बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा था लोगों को कि वो सिर्फ एचसी पेमेंट मेथड ही यूज़ करें कुछ परचेज करने के लिए। तो अभी भी वो यही कहेंगे कि पेपाल यूज़ ना करें, एचसी पेमेंट मेथड भी ऑन करें। तो आपको ऑन करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपने रिलेटिव्स का आईडी कार्ड चाहिए होगा, फ्रंट और बैक साइड स्कैन की हुई, उसके अलावा उनके बैंक अकाउंट की डिटेल चाहिए होगी और वो आपको अंदर सबमिट करनी पड़ेगी एचसी में और फिर वो उसको वेरीफाई करके कि एड्रेस सही है और मैच सब कुछ हो रहा है उसके बाद वो उसको अप्रूव कर देंगे। तो उसके बाद आपको टैक्स का फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा जो आपके रिलेटिव्स करेंगे, उसकी डिटेल में जब वो टाइम आएगा तो मैं बताऊंगी, अभी मुझे उसका आइडिया नहीं है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। मगर फिलहाल ये कि आप पेपाल के ऑप्शन को ऑन कर लें और अपनी शॉप पे आपने जहां जहां लिखा हुआ था कि पेपाल अवेलेबल नहीं है उसको रिमूव कर दें। अदर के ऑप्शन से ये फायदा होता था कि आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता था, सेल थोड़ी सी स्लो हो जाती थी उससे, लेकिन फिर भी ये फायदा था कि एटलीस्ट आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे और आपको डायरेक्टली अपनी अमाउंट मिल जाती थी परचेज जो लोगों ने किया होता था प्रोडक्ट आपका, तो डायरेक्टली ट्रांजेक्शन आपके पास आ जाती थी और आप फॉरन शिपमेंट कर सकते थे। अब यह कि अगर आप खुद सब कुछ हैंडल करेंगे तो फिर आप जल्दी अपने आप को पैसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं और आपके रिलेटिव्स को बॉदरेशन नहीं होगी, उनके साथ आपको कुछ परसेंटेज फिक्स करनी पड़ेगी ताकि उनको भी फायदा हो क्योंकि वो आपकी शॉप पे एक तरह से पार्टनर हैं, अब वो हेल्प कर रहे हैं आपकी, और दूसरा ये कि उनको टैक्स भी कुछ पे करना पड़ेगा तो वो भी अमाउंट उसमें से निकाल लेंगे। तो ये कुछ डिटेल अभी आपको मैं बताऊंगी, थोड़ा प्रैक्टिकली यूज करने के बाद ही मैं आपको इसके ऊपर अपडेट कर सकती हूँ। और यह कि एचसी का रिप्लाई मैं वेट कर रही हूँ, मैंने उनसे कुछ क्वेश्चंस किए हैं तो वो आंसर करते हैं तो फिर मैं आपको इस पे डिटेल से बताऊंगी। फिलहाल आप फटाफट से पेपाल ऑन करें और अपने रिलेटिव को एज अ मेंबर ऐड करें उनको कॉन्फिडेंस में लेकर। मैं भी यही काम कर रही हूँ और इसके आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं मैं कोशिश करूंगी कि आपको गाइड करूँ कि किस तरीके से हम सबकी शॉप बंद ना हो और हम थ्रू लीगल प्रोसेस जो जेन्युइन सब कुछ काम है वो करके हम किस तरीके से पेमेंट ले सकते हैं। तो रिलेटिव्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा बॉदरेशन ना हो इसके लिए भी मैं आपको आइडियाज दे दूंगी जो कुछ भी मुझे पता चलेगा। अगर आपके पास कोई आइडियाज़ हैं तो आप लोग भी प्लीज़ शेयर करें। आई विल सी यू अगेन, टेक केयर, गुड बाय।